नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला न्यू ईयर आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और सुख शांति समृद्धि और धन प्राप्ति हो, ऐसे मेरी शुभकामना। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कल बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सीनियर बन रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक करोगे तो एसजेएस निफ्टी 33 पॉइंट यानी 17,850 के करीब चल रहा है। अभी डाउ जोन्स का फ्यूचर चल रहा है फ्रेंड्स, अभी 38 पॉइंट प्लस में है और हमारा आज मार्केट क्लोज था न्यू ईयर की वजह से, तो उसके अगले दिन उसका क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी का 41,122 और निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,656 पे उसका क्लोजिंग आया है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में वन डे के अंदर में क्या सीनियर बन रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने दो दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बोला था कि बैंक निफ्टी का वन डे का उसका टारगेट रहेगा 41,590 और दूसरा टारगेट रहेगा उसका 41,825, इसी में जाने का पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन उसने आप यहाँ पे चेक करोगे तो 25 अक्टूबर को उसका हाई मारा है 41,530 का उसका हाई मारा है फ्रेंड्स, ओके। और आप यहाँ पे चेक करोगे तो ट्यूसडे को उसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है जिसको हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज देता है, अगर कल इसका लो है 41,021 यानी 41,000 के नीचे यानी 41,950 के करीब या 950 से ऊपर क्लोज मिलता है तो उसका टारगेट डाउन की साइड में मूव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। ये हो गया बैंक निफ्टी में वन डे की कैंडल में। तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में बैंक निफ्टी में क्या सीनियर बन रहा है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया 17,850 पे चल रहा है और हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 17,650 यानी यहाँ से करीबन 200 पॉइंट प्लस में है, तो पॉसिबिलिटी हमारी ये रहेगी बैंक निफ्टी भी कल ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो गैप ओपन होने की पूरी पूरी संभावना। अभी गैप ओपन कहाँ पे हो सकता है, गैप ओपन हमें हो सकता है 41,122 पे क्लोजिंग हुआ है तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी हमारा इस जोन में ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी पर फ्रेंड्स कल टुमारो। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो कुछ टाइम तक हमें प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। पॉसिबिलिटी ये भी रह सकती है कि इस ऐसा पैटर्न बनने के बाद अगर डाउन की साइड में मूव करता है तो उसका टारगेट डाउन की साइड में पहला आएगा। मैंने जो आपको बताया था आज का लो जो है 41,050 के करीब आएगा, उसको ब्रेक करेगा 41,009 के करीब जाने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में डाउन की साइड में। और अगर यहाँ पे क्लोज होने के बाद कुछ टाइम सस्टेन होता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 41,580 के करीब, दूसरा टारगेट आ सकता है यहाँ पे 41,680, दूसरा टारगेट आ सकता है 41,800 के करीब जाने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। तो कल मंथली एक्सपायरी भी है तो ज़्यादा दोनों के साइड पर मूवमेंट हमें मिलने मिलेगी कल फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, ओके फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स कल। फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड्स ये निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया है मैंने स्क्रीन पे, आप यहाँ पर चेक करोगे कि निफ्टी ने भी वन डे के चार्ट में एक नेगेटिव कैंडल बनाई है जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं उसको। अगर कल बैंक निफ्टी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, उसका लो कितना है 17,630, अगर कल फ्रेंड्स निफ्टी 17,600 के नीचे क्लोज होता है तो उसका टारगेट वन डे की चार्ट में आ सकता है 17,400 के करीब जाने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स निफ्टी में। और जैसे कि हमने निफ्टी एसजीएस निफ्टी में देखा कि 852 पे क्लोज हुआ यानी 200 पॉइंट प्लस में है, तो कल हमारा निफ्टी भी प्लस होने की पूरी पूरी संभावना है 150 से 200 पॉइंट। तो आइए देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में। जैसे कि 150-200 पॉइंट ओपन हो सकता है तो कौन सी रेंज में ओपन आएगा फ्रेंड्स, ये ई जोन में ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, ई जोन में ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स निफ्टी में। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो हम कुछ टाइम पे वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद अगर ऐसे प्राइस एक्शन बनते उसके बाद इस डाउन की साइड को मूव करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 17,650 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे 17,540 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स निफ्टी। और अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अपसाइड में ये ब्रेक होता है 17,790 या 17,800 तो उसका टारगेट आ सकता है 17,850 और दूसरा टारगेट आ सकता है 17,900
और अगर फ्रेंड ज़्यादा गैप डाउन या गैप ओपन होता है तो हमें ऑलवेज प्राइस एक्सेप्ट करने का वेट ही करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें ट्रेड रहना चाहिए। और अगर बाई चांस फ्लैट ओपन होता है फ्रेंड्स, एसजीएस निफ्टी हो या निफ्टी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये फ्लैट ओपन हो सकता है कल फ्रेंड्स, क्योंकि एसजीएस निफ्टी 200 पॉइंट हमारे मार्केट से प्लस में ही है, और तो उसका पूरी पॉसिबिलिटी है गैप ओपन होने की। क्योंकि 15 मिनट की चार्ट में अगर इस जोन में ओपन होता है जो रहेगा 17,750 से लेके 17,630, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद जिस तरफ वो मूव करेगा वहाँ पे उसको 60 से 70 पॉइंट हमें मिल जाएंगे फ्रेंड्स निफ्टी में। डाउन के हिसाब से मूव करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 17,550 के करीब जा सकता है, और अगर यहाँ पे होने के बाद 17,721 को निकालेगा तो उसका टारगेट आ सकता है 17,800 की तरफ जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स निफ्टी में। वैसे ही अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी भी अगर 15 मिनट की चार्ट में फ्लैट ओपन होती है, यानी यहाँ से लेके इस जोन में इसका क्लोजिंग आया है 41,122 उसका क्लोजिंग है, अगर यहाँ पे वो 41,000 से लेके 41,400 के बीच में ओपन होती है, और अगर ओपन होने के बाद अपसाइड में इसको ब्रेक करता है फ्रेंड्स 41,000, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके 41,300 के करीब ओपन होती है, उसके बाद उसको ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 41,350 और 41,400, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका अपसाइड पे 41,500, उसके जो हाई मारा है उसको टच करने का पूरी पॉसिबिलिटी करेगा तुम। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन की साइड में अगर 41,000 को ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 40,850 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 40,600 के करीब जाने की पूरी पॉसिबिलिटी करेगा बैंक निफ्टी अगर कभी फ्लैट ओपन होता है तो। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।